दोस्तों बिहार में अहुना मटन कितना पसंद किया जाता है वो आज की आपको इस वीडियो से पता लगने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जिस जगह पे मैं आया हूँ वहाँ पे आप देख सकते हो कितनी मात्रा में यहाँ पे हांडियाँ लगी हुई हैं और सारी हांडियों के अंदर ना दोस्तों अहुना मटन बन रहा है। तो भाई वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, काफ़ी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप भी अगर बनाना चाहते हैं ना अहुना मटन तो फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज मैं कहाँ आया हूँ और किस तरीके से पूरी अहुना मटन को बनाया जाता है। आ जाओ। तो सबसे पहले दोस्तों मटके को ना हल्का हल्का पानी लगा के ना धो लिया जाता है अच्छे से, ताकि जो भी गंदगी है वो निकल जाए और चेक किया जाए कि कोई मटका अंदर से जो है वो फूटा उटा ना हो, इसलिए इसको अच्छे से पहले धो लिया जाता है। ये देखिए, मेरा नाम मुकेश सिंह है, ये 2015 से मैंने शुरू किया था। यहाँ सर मटन अहुना बनता है, मटन हांडी बनता है, मटन स्टू बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिया गया है 30 किलो मटन और मटन के ऊपर डाला जा रहा है दोस्तों सबसे पहले नमक। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें नमक डाला जा रहा है। सर अब ये हमारा स्पेशल जो मसाला है, इसमें सारे तरीके के हैं जितने भी मटन में डालना चाहिए, जैसे आपका काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, जावित्री हो गया, दालचीनी हो गया, आपका जीरा पाउडर हो गया, गरम मसाला, कश्मीरी, सब तरीके के मसाले सारे मिला सारे इसमें मिक्स करके मैंने ऑलरेडी बना रखा है। और 1 किलो का 40 ग्राम मतलब डालना होता है। तो देखिए दोस्तों इन्होंने ना अपना प्री मिक्स तैयार कर लिया है और प्री मिक्स का फायदा क्या है ना कि इनको जितना भी मटन बनाना है उस हिसाब से ये उसके अंदर डाल देते हैं क्वांटिटी। इसके अलावा कोई मसाले नहीं डालने दोस्तों, यही मसाला डालना है सिर्फ इसको ही, इसी से जो सारा टेस्ट है वो आ जाएगा। इसमें सारे के सारे मसाले मिक्स कर रखे हैं ना भैया? हाँ जी। अब इसमें हम सारे मिक्स जो मसाला है ये सारे डाल रहे हैं। ये 30 किलो मटन है, उसी के अनुसार ये डल रही है। ये देखिए ब्रांडेड है, एक स्कूटर छाप मास्टर वाइल, हमने ये 1 किलो का 900 ग्राम का ये पैकेट आता है, इसमें हम मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें कितना तेल डालेंगे अभी? इसमें सर आपका 2 डलेगी, 2 पैकेट डलेगी। हाँ जी हाँ जी, 1800 ग्राम। ये सरसों का तेल ना? हाँ जी मास्टर वाइल। ये लहसुन का पेस्ट है, लहसुन जीरा का पेस्ट है, जो कि हमने 1 किलो में 1 पोट का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ नहीं डालता, बस ये देखिए कितना सिस्टम इन्होंने सेट कर रखा है अपना मीट हाउस अहुना मटन का, कि बेसिकली सारे मसाले मिक्सड हैं और उसी को अब अच्छे से मिलाया जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारे हांडी में डाला जाएगा जी। तो फ्रेंड्स अभी 30 किलो मटन को देखिए कितने अच्छे से मिलाया जा रहा है, जो मसाले डाले थे उसकी वजह से देखिए देख क्या रंग आ रखा है इसका, और जो खुशबू है मसालों की, रॉ मसालों की, वो भी काफ़ी बढ़िया आ रही है। और देखिए 30 किलो जो मटन है ना उसको मिलाना बहुत हार्ड है दोस्तों, किस तरीके से भैया अच्छे से मेहनत से इसको मिला रहे हैं। तो इस वाले में दो भैया हमने सीधा कच्चा तेल ही डाला, पकाया नहीं था उसमें? नहीं जी पकाया नहीं। अच्छा, तो इसमें पकाया नहीं गया जी? नहीं। कोयला जो है वो सेट किया जा रहा है, कोयले की आँच ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के अंदर, इस अहुना मटन के अंदर उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो टेम्परेचर है वो एक्चुअल टेम्परेचर है उसके ऊपर मीट पकेगा। धीरे धीरे धीमी धीमी आँच पे कोयले की हमारा जो मटन है वो पकता है, और देखिए किस तरीके से इसको फैलाया जा रहा है, अच्छे से सेट किया जा रहा है, और उसके बाद जो हमारी हांडियाँ तैयार हो रही हैं वो रखी जाएंगी। तो देखिए दोस्तों हमारी हांडी कोयले के ऊपर सेट करी जा रही है, अब देख सकते हो कितनी बड़ी मात्रा में हांडियाँ रखी जा रही है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए अब हम कोयले के ताव पे मटका रखने जा रहे हैं एक बार में। सर ये 28 मटका का जगह है। 28 मटन, ये तो खैर लिमिट नहीं है, 60 से कम नहीं होता है। तो देख सकते हो दोस्तों सारी हांडियाँ जो हैं वो पूरे सेट के ऊपर लगा दी गई हैं अच्छे से, और क्या लाजवाब लग रही है, देख रहे हो क्या ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे हांडियाँ रखी हुई हैं। ये अब हम तेल डालने जा रहे हैं, मटका पूरा हीट हो गया है, तो इसमें अब तेल डालेंगे। एक मटका में 150 से 200 ग्राम। तो ये आपके अंदाज में ही आप डाल देते हैं? हाँ जी, मैंने 6 मटका भाग बांटते। तो सारों मटकों के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं सरसों का तेल डाल दिया गया है अच्छे से और वो गर्म हो रहा है। अब इसके बाद इसका अगला जो स्टेप है उसमें डाला जाएगा प्याज। ये देखिए, तो अब आ चुका है दोस्तों हमारा प्याज जो कि हांडी में डालने के लिए बिल्कुल रेडी है, और आप भैया हांडी में डाल रहे हैं। ये देखो प्याज डाल रहे हैं, कितना प्याज डाल रहे हैं भैया? ये आपका 650 ग्राम। 650 ग्राम एक हांडी में जाता है? हाँ जी।
और देख सकते हो दोस्तों, जो प्याज डालने के बाद ना इसको फटाफट चलाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो जो हमारा प्याज है वो नीचे से लगने लगेगा। तो साथ ही साथ जो मटके हैं, क्योंकि आप कोयले की आंच पे हैं तो कंट्रोल तो नहीं कर सकते उनको, तो अच्छे से इसको चलाते भी रहना है ताकि जो प्याज है वो जले ना। आप देख सकते हो सारे मटकों के अंदर दोस्तों अच्छे से प्याज डाल दिया गया है, लगभग 600 ग्राम के करीब प्याज डाला गया है इसके अंदर। और अब इसको चलाते चलाते हल्का सा पकाना है, और उसके बाद जो खड़े मसाले हैं थोड़े से वो डाले जाएंगे। सर ये फ़ौरन ले लिया हूँ, जीरा, जीरा है, गोलमरीच है, धनिया है, मिर्चा, इसका फ़ौरन है करीब 5 ग्राम के हिसाब से। ये देखिए डल रही है, ये देखिए लहसुन डाल रहे हैं, हर एक मटका में 4-5। तो इसका लहसुन का एक अलग टेस्ट होता है, लोग बहुत चाव से इनको खाते हैं। तो सारे मटकों के अंदर दोस्तों देखिए खड़े मसाले डाल दिए गए, उसके बाद जो हमारा लहसुन का जो पोट है पूरा वो भी डाल दिया गया है। और जैसे कि आपको पता है बिहारी खानों में ना लहसुन जो है मटन के साथ ज़रूर जाना जाता है पूरे का पूरा, ताकि उसको चूस के जो खाने का मज़ा है ना वो अलग ही आता है। बिल्कुल स्वाद जो होता है लहसुन का बड़ा लाजवाब होता है। ये मेरीनेशन किया हुआ माल अब मटके में डालने का तैयार है। सर ये एक मटके में 18 रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अब जो हमारा मटन है वो बिल्कुल रेडी है, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। अब डाला जा रहा है इनको मटके के अंदर, और एक मटके के अंदर जैसे सर बता रहे हैं कि 18 पीस जाते हैं, जो लगभग एक केजी के हिसाब का बैठता है। तो हर एक मटके के अंदर अच्छे से गिन के पीस डाले जाते हैं, और हर एक तरीके का जो पीस होता है वो डाला जाता है इसके अंदर। तो देख सकते हो दोस्तों, मटन जो है वो सारी हांडियों के अंदर डाल दिया गया है, और अब इसको अच्छे से चलाया जा रहा है और सबको अच्छे से फेटा जा रहा है, ताकि मटन भी अच्छे से मिक्स हो मटके के अंदर। मसाले तो ऑलरेडी ले हुए थे प्याज के साथ, और जो खड़े मसाले डाले थे बेसिकली उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे जो मटके हैं उनको सील किया जा रहा है, एक एक करके सारे मटकों के ऊपर ना इस तरीके से ढक्कन लगाया जाएगा, और उसके बाद इसको आटे की हेल्प से, आटे की लोई की हेल्प से इसको सील कर दिया जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से सारे मटकों को पहले ढक्कन लगाया जा रहा है। ये जी मैं अब आटा लेकर के मैं लगाने जा रहा हूँ, हर मटका को एक एक करके सील करना है, और सील होने के बाद ये एक घंटा छोड़ना पड़ेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ना हमारा जो मटका है वो सील किया जा रहा है। सबसे पहले आटा ले लिया गया था, और उसके बाद आटे को हल्के से पानी में डिप किया गया था, ताकि जो हमारा आटा है वो स्लिपरी सा हो जाए और जो मटके के ऊपर है वो अच्छे से स्टिक कर जाए। तो देखिए क्या बढ़िया तरीके से इसको लगा दिया गया है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, हमारी जो हांडियाँ हैं ना वो पूरी सेट कर दी गई है कोयले के ऊपर, और लगभग इसको ना बीच में हिलाते 1.5 से 2 घंटे तक दोस्तों इसको ऐसे ही पकाया जाएगा। और जो मतलब बेसिकली जो खुशबू आ रही है ना, मेरे को अभी से इसके मसाले जो डाले हुए थे उसके आनी शुरू हो गई है। किसी किसी हांडी में से ना देखिए भाप निकल रही है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी जो हांडियाँ हैं वो पक रही हैं। और 2 घंटे के बाद ना मैं आपको जादू दिखाता हूँ, इसमें से जब मटन निकलेगा ना बनके बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो बस उसका इंतज़ार करते हैं और एंड में करते हैं टेस्ट। मेरा नाम कीर्ति सौरभ हुआ, और हमारे मित्र हमारे सहयोगी प्रकाश जी हैं, चंपारण मीट हाउस के नाम से हमारे 3 ब्रांचेस हैं, डॉक्टर्स कॉलोनी कंकरबाग में, फिर मिड ऑफ द टाउन डाक बंगला में, और एक सेंटर है हमारा ग्राम जयपाल मोड़ बिल्ली रोड। अहुना मटन अभी हमारे यहाँ 1200 में जा रहा है, और एक्चुअली क्या है ना, अहुना में हम लोग वेट जो करते हैं वो ड्राई मीट का यानी कच्चे मीट का होगा, बन के जो तैयार होगा वो आपका। देखिए कोई भी चीज़ को कांस्टेंट यानी बहुत अच्छा टेस्ट बनाने के लिए, रेगुलर सेम टेस्ट के लिए हमने अपना खुद का एक मसाला बनाया, जो मसाला एक क्वांटिटी के हिसाब से ही डाला जाता है, और उस मसाले में कोई चीज़ डालने का ज़रूरत नहीं है, ना आपको धनिया डालना है, ना आपको मिर्चाई डालना है, ना आपको कोई सहजीरा जावेत्री कुछ नहीं डालना है, सब मिक्स किया हुआ है। और उसी प्रकार सब जैसा आप लीजिए उस मसाला डालिए बनाइए, हो गया। हमारी डिलीवरी जो है वो स्विगी, जोमेटो और हमारी खुद की वेबसाइट से भी है। अहुना मटन आज के डेट में लोग इसको जानते हैं, मटका के नाम पर बहुत लोग जानते हैं इसका, लेकिन जो बेसिक नाम है अहुना मटन। अहुना मटन इसका नाम कैसे पड़ा? अहुना एक्चुअली पहले इसको जब स्टील के बर्तन नहीं हुआ करते थे, तो बिहार में बेसिक लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो मिट्टी के बर्तन में कोई भी चीज़ को रख करके उसको आग में, पहले गोईठा उठा का आग लगा के लोग गोईठे के आग में इसको औंध के, औंध का मतलब होता है उलट करके, कोई चीज़ से सील करके उलट करके उसको रख दिया जाए तो वो औंधा हो गया, औंधा। अब औंधा जो वर्ड है वही बिगड़ते बिगड़ते आज हो गया अहुना। तो बेसिक कहानी ये इसका ये है, ये औंधा है।
है। देखिए दोस्तों, हमारे मटकों को एक एक करके खोला जा रहा है। जो आटे की लेयर लगाई गई थी वो हटा दी जा रही है मटके के ऊपर से। आप देखिए क्या गर्मा गर्म हमारा जो मटन है वो बनके तैयार है, देख रहे हो। मटके को यानी हांडी को हमारे खोलने के बाद जो हमारा मटन है उसको अच्छे से चलाया जा रहा है, और देख सकते हो क्या सुर्ख लाल रंग का जो हमारा मटन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इसको चला के 10 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ा जाएगा और चलाते भी रहा जाएगा, और उसके बाद जो हमारा मटन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए। मेरा नाम अमिताभ ओझा है, और देखिए चंपारण मीठा बिहार का एक ब्रांड बन चुका है, और ख़ासकर ये जो चंपारण में से इसके जो ब्रांडिंग कई जगह इसके सेक्शन है, कई जगह कंकड़बाग में है, पटना में कई जगह पर है, और दूर दूर से लोग यहाँ खाने आते हैं। आज भी हम यहाँ पे आए हैं मटन लेने या मटन होना लेने आए हुए हैं। मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, अब उनके लिए हम यहाँ से 2 किलो मटन जो है होना इनका लेके जा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए तो बनाना छोड़ ही दिए हैं, जब भी इच्छा होती है बस, इससे बड़ा बढ़िया टेस्ट नहीं होता। और आप लोग भी एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, तो उसके बाद आप लगेगा कि यहाँ एक बिहार का एक पहचान बन चुका है मटन आहुना यहाँ पे जो है। तो लिए दोस्तों, पूरा प्रोसेस देखा हमने किस तरीके से आहुना मटन बनाया गया है यहाँ पे, और पूरी की पूरी हांडी आज हमने अपने टेबल पे रखवा ली है। आइए आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हांडी के अंदर जो मटन है ना बिल्कुल रेडी है। देखिए वाह क्या लाजवाब इसका कलर आ चुका है, और अच्छे से ये पक चुका है, गल चुका है मटन जो है हमारा, और बड़ा ही गर्मा गर्म है। मैंने सोचा आज खुद क्यों ना सर्व किया जाए, है ना, और आपको भी दिखाया जाए। ये देखो ज़रा, है ना लाजवाब मटन, फुल ऑन दोस्तों। इसकी ग्रेवी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बन गई है, बिल्कुल गाढ़े वाली, और ये देखो वाह। इसको जब पक गया था ना, जब इसकी हांडी जब ढक्कन खोला गया बेसिकली, तो उसके बाद इसको अच्छे से मिलाया गया, अच्छे से चलाया गया, और उसके थ्रू जो ग्रेवी बनी है, ये देखिए क्या गाढ़ी गाढ़ी सी हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल रेडी है ना मज़ेदार। तो आइए थोड़ी सी ग्रेवी लिए, 2 पीसेस लिए हैं, हांडी अभी फिनिश करेंगे, मगर उससे पहले इसको ट्राई करते हैं, है ना। इसको हटा देते हैं, और सीधा जो है हम प्लेट में चावल हमने ले लिया दोस्तों 1 प्लेट, साथ ही साथ यहाँ प्रयास सर्व किए गए हैं, तो उसके साथ जो है अपना मटन आहुना मटन बेसिकली टेस्ट करके देखते हैं किस तरीके का बना है। उसको मिक्स करते हैं, भाई खुशबू बड़ी ही लाजवाब आ रही है। जो इसमें मसाले डाले गए थे इन्होंने प्री मिक्स, बेसिकली इनका क्या कॉन्सेप्ट हो गया है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे कि अलग अलग मसाले डालने के बजाय ना इन्होंने एक प्री मिक्स तैयार कर लिया, बस वही डालिए और इजीली मटन को आप पका सकते हैं। और इनका कहना है कि ये मसाला आप खुद भी मंगवा सकते हैं और अपने घर पे आसानी से ये जो आहुना मटन है वो बना सकते हैं। वाह, तो आइए आप इसको टेस्ट करते हैं। बोलते बोलते मुँह में जो है वो पानी आना शुरू हो चुका है, तो टेस्ट करते हैं मसाले को, देखते हैं कैसा है। एक बाइट लेते हैं, क्या बात, वही ऑथेंटिसिटी वाला जो टेस्ट होता है ना, जैसे कहते हैं ऑथेंटिक मसाले जो हैं बिल्कुल प्रॉपर है। हल्का सा स्पाइसी है, मसालेदार है, मगर है बहुत लाजवाब। और बिहारी खाना दोस्तों हल्का सा ना तीखा ही होता है, और तीखा ही खाना चाहिए तभी मज़ा आता है खाने में, है ना। ओहो बहुत गया, और ये देखिए मटन चेक करिए ज़रा, गर्म है। ये देखिए मटन क्या बढ़िया तरीके से पका, देख रहे हो कैसे टूट रहा है, अलग हो रहा है, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल पक चुका है, बहुत लाजवाब। और जो हमारा मीट है ना, जो मटन है, उसका कलर भी देख सकते हो आप, अंदर से बिल्कुल रेड है, अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो एक बाइट इसके साथ भी मटन टेस्ट करते हैं। वाओ, मटन का जो टेस्ट है मसालों के साथ बहुत लाजवाब, बहुत मज़ेदार। आप भी आइए यहाँ पे मटन ट्राई करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इस वाले जो आउटलेट की ना बहुत ही अच्छी रीच है दोस्तों, स्टेशन के साथ ही है, स्टेशन पे जैसे ही आप पटना जंक्शन स्टेशन पे आते हैं वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं और अपना मटन जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आप भी आइए, टेस्ट करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे मटन को फिनिश करते हैं, साथ ही साथ ये जो हमने हांडी ली है ना, इसको फिनिश तो नहीं कर पाएंगे, मैं घर जरूर लेके जाऊंगा, है ना, देंगे ना भैया से बात करता हूँ, पूरे के पूरे हांडी को लेके जाएंगे आज। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो इसको फिनिश करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।